কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি গতকাল মুর্শিদাবাদে বেশ কিছু দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দেন। এরপর তিনি বহরমপুর 34 নম্বর জাতীয় সড়ক নির্মীয়মান বাইপাস সহ সেতুর কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি জানান, 2024 ফেব্রুয়ারির মধ্যেই এই সড়ক জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হবে। पूरे देश में रोडों का जाल बिछा है। रोड एक ऐसी चीज होती है जैसे शरीर में रक्त दौड़ने के लिए नसों का सशक्त होना जरूरी है, ऐसे ही देश की प्रगति में रोडों का, रेलवे का, एयर का, सबका एक्टिव होना और अच्छी सुविधा होना बहुत जरूरी है। अटल जी ने इसकी शुरुआत करी थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए, उस प्रोजेक्ट को उसको आगे बढ़ाते हुए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के अंदर रोडों के मामले में, कल शायद आपने सुना होगा, बाहर भारतीयों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा भारत के अंदर ये तो NH है, ग्रामीण सड़कें जो बनी हैं अभी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना, उन्होंने कहा कि हम पूरी सड़कें जोड़ दें तो हम चंद्रयान पहुंच सकते, इतने किलोमीटर बनी है और NH बनी है। पूरे देश में एक जालों रोडों का जाल बिछा है। हाँ, किसी किसी स्टेट में थोड़ा दिक्कत आई है जमीन एग्रीमेंट में, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है बिना जमीन के नहीं हो सकता है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया हुआ कि जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे।